नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप सब देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। बिहार विधानसभा की दो सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में आज मतदान का अहम दिन है। मोकामा और गोपालगंज में वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वहीं सुबह से ही मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि इन दोनों सीटों पर सीधा मुकाबला राजद और बीजेपी के उम्मीदवारों के बीच है। हालांकि मैदान में कई कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो किसी भी बड़े दल का खेल बिगाड़ सकते हैं। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से मोकामा और गोपालगंज में मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह सवेरे मतदान केंद्रों से जो पहली तस्वीर सामने आ रही है, उसमें महिलाओं के अंदर पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है कि कैसे वो मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंची हुई हैं। महिला वोटर सुबह से बूथ पर पहुंच रही हैं। बता दें कि मोकामा और गोपालगंज में आज शाम 6 बजे तक वोटिंग का वक्त तय किया गया है। हालांकि दोपहर के वक्त जो मतदान का प्रतिशत होगा वह तय कर देगा कि हार या जीत किसकी होगी। वहीं दोनों सीटों पर मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है। हालांकि सबकी नजरें मोकामा सीट पर ही टिकी हुई है, क्योंकि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में मोकामा के अंदर 54% मतदान हुआ था, जबकि गोपालगंज में 55% मतदान हुआ था। माना जा रहा है कि उपचुनाव में सामान्य चुनाव से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज नहीं होता है। इस सब के बावजूद चुनाव की टाइमिंग ऐसी है कि जब ज्यादातर बाहर रहने वाले वोटर्स अपने घर पर मौजूद है, और इससे अगर मतदान का प्रतिशत अगर बढ़ जाता है तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। दरअसल मोकामा सीट पर सीधा मुकाबला आरजेडी की उम्मीदवार नीलम देवी और बीजेपी कैंडिडेट सोनम देवी के बीच है। बता दें कि नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी है, जबकि सोनम देवी भी बाहुबली ललन सिंह की पत्नी है। इन दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की लड़ाई बताई जा रही है। उधर गोपालगंज सीट पर बीजेपी ने दिवंगत विधायक और पूर्व मंत्री सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला आरजेडी के प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता से है, जबकि लालू यादव के साले साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव भी इस चुनावी मैदान में उतरी हुई है। वहीं ओवैसी की पार्टी ने भी यहां अपने कैंडिडेट को उतार रखा है। ऐसे में गोपालगंज की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प बनी हुई है। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो इस लिहाज से मोकामा में पुरुष वोटर्स का दबदबा है, जबकि गोपालगंज में महिला वोटर्स का प्रभाव सबसे ज्यादा है। दरअसल गोपालगंज में 2020 के विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 57% से ज्यादा था, जबकि मोकामा में 55% से ज्यादा पुरुष वोटर्स ने वोटिंग की थी। वहीं आज सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान में कोई परेशानी ना आए, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने पूरा इंतजाम कर रखा है। मोकामा में कुल मतदाताओं की संख्या 2,81,000 से ऊपर है, जबकि गोपालगंज में 3,30,000 से अधिक वोटर्स हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।